महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एक और बैठक बेनतीजा हो गई है। महाविकास आघाड़ी की इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। शरद पवार के घर ये बैठक हुई, 2 से 2.5 घंटे चली, लेकिन तीनों ही पार्टियां शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद नाना पटोले ने बताया कि 1-2 दिन में ये तय हो जाएगा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। प्रकाश अंबेडकर से भी उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है। ये पूछने पर कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेकिन आप लोग अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, नाना पटोले ने जवाब दिया कि एनडीए में भी तो अभी तय नहीं हो पाया है। और इस बैठक को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग एक बार फिर से बेनतीजा रही। यहाँ शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक पर लगभग 2 से 2.5 घंटे मीटिंग चली, जिसमें खुद शरद पवार मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से वसंतराव थोरात और नाना पटोले मीटिंग में मौजूद थे और शिवसेना की तरफ से संजय राउत और अनंत गीते मौजूद थे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। संजय राउत जो हमेशा मीडिया को देखकर बात करते हैं, यहाँ पर वो बिना मीडिया से बात किए हुए यहाँ से चले गए। कांग्रेस के नाना पटोले जरूर बात करने आए, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो और मित्र पक्ष हैं यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू सेठी, उन सब से भी हमारी बात चल रही है और 1-2 दिन में नतीजा निकल आएगा, यानी कि आज की मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है यह है। और ये पूछने पर कि क्या वो भंडारा गोंदिया से, चूंकि उनका नाम चल रहा है, तो क्या भंडारा गोंदिया से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से कहा कि पार्टी जो निर्णय लेती है वो हमें मानना पड़ता है, ये उन्होंने बात कही है। बहरहाल लगातार कोशिशों के बावजूद जो महाविकास आघाड़ी है वो अपने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं कर पा रही है, और ख़ास करके जो उनके सहयोगी दल जो दूसरे दो हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी और राजू सेट्टी की स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन को लेकर मामला कहीं ज़्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पे। ये पूछने पर नाना पटोले से कि लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और आप लोग अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि महायुति में भी तो यही हो रहा है, यानी अपनी जो अंदर की कमजोरियाँ हैं या फिर अपनी जो बातें सुलझ नहीं पा रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी या फिर हम कह सकते हैं कि महायुति को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बार बार भले दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को 18 सीटें के करीब मिलेगी, शिवसेना को उद्धव ठाकरे पार्टी को 20 सीटों के करीब मिलेगी और साथ ही शरद पवार को 10 के करीब सीटें मिलेगी, और उसी में से वंचित बहुजन आघाड़ी को और राजू सेट्टी की स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन को 2-2 सीटें दी जाएगी। लेकिन कौन सी दी जाएंगी और क्या उसके लिए वो तैयार हैं, और बाकी सभी सीटों को लेकर कई भी सीटों की अदला बदली भी होनी है, जो जानकारी मिल रही है कि उत्तर मुंबई से जैसे कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो वो शायद शिवसेना सीट लड़ सकती है। आज एनसीपी की तरफ से एक बात आई, जो कि एनसीपी का मुंबई बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन एनसीपी ने आज डिमांड कर दी इस मीटिंग के ठीक पहले शरद पवार के घर पर आकर एनसीपी मुंबई के सभी पदाधिकारियों ने, कि उन्हें जो उत्तर पूर्व मुंबई की सीट है वो मिलनी चाहिए, लड़नी चाहिए, क्योंकि पहले से वो सीट जो है वह एनसीपी की थी, जो संजय दीना पाटिल हैं जो कि इस समय उद्धव ठाकरे के साथ हैं शिवसेना में, वो उनके पहले वहाँ सांसद हुआ करते थे, तो वो सीट मांगी जाए, यानी जो पेच है वो फंसा हुआ है सीटों के बंटवारे का। कौन सी सीट कौन सी पार्टी को मिलेगी ये तो मामला फंसा ही हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर भी कई मामले फंसे हुए हैं, लिहाजा आज की 2 से 2.5 घंटे तक चली बैठक भी बेनतीजा रही, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव का विदर्भ की 5 सीटों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, इंडिया के लिए।